देखती हैं वुमेन इन व्हील क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं। लड़कियों में इतनी हिम्मत है अच्छा। कि वो किसी भी सिचुएशन को वो फेस कर सकती हैं। ये फीलिंग्स नहीं है कि मेरा रंग ही ना कहीं काला हो जाए। कॉशनरी मेजर्स हमें भी लेने पड़ते हैं, जैसे सनब्लॉक जो है हाँ वो लगा लिया और चेहरे को वॉश कर लिया अच्छा। कुछ देर इसको मतलब बर्फ की डिकोर कर ली। आपका कोई रिश्ता आता है तो आप बताते हैं कि जी लड़की जो है वो ट्रैफिक पुलिस में जॉब कर रही है, तो वो भी सोचते हैं, लेकिन ये तब होता था, अब तो लोगों को इसकी अहमियत का पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा आवान। नाजिन, आज जो मेरे साथ खातून मौजूद हैं वो बहुत ही वाव किस्म की खातून है, और वाव समझ के आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि वाव खातून क्या होती हैं। तो आइए आपसे इंतज़ार किए बगैर आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही दबंग और वाव किस्म की लेडी से। और मेरे साथ जो हैं आज मौजूद हैं इंस्पेक्टर नाजिया बाकिर साहिबा, और मैं आपको बताऊँ कि वाव का मतलब होता है वुमेन ऑन व्हील। मैडम जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी हैं, मैडम इंस्पेक्टर है अब माशाल्लाह से, और जो है किस तरह जो है वो देखती हैं वुमेन इन व्हील को, क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं या क्या जो मिसाइल का सामना है, आइए हम जो है इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले वाव से स्टार्ट करते हैं कि जो लड़कियाँ हैं ना, जब वो व्हील के ऊपर, ख़ासतौर पर टू व्हील्स बाइक की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में इंक्लूडिंग मी, मैं भी कभी जब लड़की बाइक पे गुजर रही है तो उसे ऐसे ऐसे देखती हूँ कि ये लड़की गुजर रही है। हमने आज तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्या गलत है, क्या लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती या कोई मायूब बात है, आप बताइएगा। नहीं जी, अब तो लोगों में, आवाम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अच्छा। और हमारी अपनी जो वार्डन्स हैं, जो LTE हैं, वो बहुत सारी जो है मोटरसाइकिल भी, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है और वो रोड्स पे भी आई हैं, और बहुत सी आप लड़कियां देखते हैं कि स्कूटीज भी चला रही होती हैं, मोटरसाइकिल भी चला रही होती हैं, और प्रॉपर अपने मतलब जो उनका किट है उसके मुताबिक चलाती हैं। जो मेल मेंबर हैं वो इतना हेलमेट का भी ख्याल नहीं रखते, ना ही कोई अपने वो मतलब अपने कपड़ों शूज़ का भी ख्याल नहीं रखते, और जो ख़वातीन हैं, जो बाइकर्स हैं, वो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से मोटरसाइकिलें भी चला रही हैं, स्कूटीज भी चला रही हैं, और हमारी जो LTW हैं वो भी मोटरसाइकिलें चलाती हैं, जो TA हैं वो भी LTA जो है वो भी चलाती हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सोसाइटी है वो इसको मानना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट कर गई है सोसाइटी। जी जी, इन्होंने बाइक चलानी चलानी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जब लड़की घर में होती है या उस तरह भी माशरे में हमें जो हरासमेंट का सामना करना है, लेकिन जब एक लड़की रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है ना, उसे सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, कभी कुछ छेड़ाछाड़ी कर जाता है, कभी भी मैम आपको ये नहीं लगा कि मैं बस अब इस जॉब डिससेटिस्फेक्शन के मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से, कभी सीनियर बोल रहे हैं, कभी मैं खड़ी हुई हूँ ट्रैफिक में, किसी को एहसास नहीं है और लोग छेड़ के भी जा रहे हैं, उसे किस तरह फेस करती हैं? बेटा, सबसे पहले तो जैसे आपने हैरेसमेंट की बात की, तो जब हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हमें इतना हौसला हिम्मत आ जाती है कि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और रही बात जो है कि ऑफिसर्स की तरफ से डांट, तो वो एक डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ठीक है ना। वो जाहिर है कुछ हमें भी कमियां कोताहियां होती हैं जो वो माइंड कर जाते हैं। और बाकी जो है, आप देखें कोई भी फील्ड ले लें, आप मीडिया की फील्ड ले लें और एजुकेशन की ले लें, मेडिकल की ले लें, तो हर जगह पे लेडीज़ के साथ मसले मसाइल भी हैं। लेकिन ये भी देखें कि जहाँ ख़वातीन होती हैं वहाँ डिसिप्लिन भी होता है, और वहाँ पे खूबसूरती भी होती है, और वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रही होती हैं। तो ये हमारा अपना बिहेवियर है कि हमने कैसे उनको फेस करना है। और मेरा ख्याल है कि अब लड़कियों में इतनी हिम्मत है अच्छा। कि वो किसी भी सिचुएशन को वो फेस कर सकती हैं। आप देखें, ये अगर आप एजुकेशन के लेवल को देखें तो सबसे आगे जो है बच्चे पीछे रह जाते हैं और बच्चियां आगे चली जाती हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, जो पुलिस है डिपार्टमेंट को, या ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस को, एक मेल डोमिनेंट जो है जॉब समझा जाता है कि ये मेल डोमिनेंट जॉब है, और जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लेडीज़ के लिए जितना कि जेंट्स को प्रेफर किया जाता है, क्या ऐसे ही है? नहीं बेटा, हमारे डिपार्टमेंट में जितनी मेरी सर्विस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कभी ऐसा अपने डिपार्टमेंट में नहीं देखा, बल्कि लेडीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है अच्छा। कि ये हैं खातून हैं और ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। अब ये जितने वार्डन्स हैं, इनको, इनकी मैं उस्ताद भी हूँ, मुझे बतौर उस्ताद भी इनके लिए मुंतखब किया गया, मैंने इनको पढ़ाया भी है, और जो ट्रेनिंग है हमारी वही हमें सिखाती है कि हमने कैसे हर हालात में कैसे सर्वाइव करना है। और ऑफिसर्स जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे CTO साहब हैं अच्छा। वो बड़ा इनक्रेज करते हैं अच्छा। बड़ा वो मतलब इंटरेस्ट भी लेते हैं, सेमिनार्स में भी जाते हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, लड़कियों को बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होती है कि थोड़ी देर भी ओहो धूप है सनस्क्रीन लगा लेते हैं या ब्यूटी कॉन्शियस रंग काला ना हो जाए, कभी ये फीलिंग्स नहीं आए कि मेरा रंग ही ना कहीं काला हो जाए या मैं ब्यूटी मेरी जा रही है सड़क पे मैं खड़ी हुई हूँ। बेटा आता है, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ तो मेरे जहन में भी आता है, क्योंकि अक्सर जो है हमारी फील्ड ड्यूटी है, हम लोग मुख्तलिफ कैंपेन्स करते हैं, कोई वॉक्स करवा रहे होते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन विंग्स की इंचार्ज हूँ अच्छा। सेमिनार्स में जा रहे होते हैं, ज़ाहिर है सेमिनार्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी वॉक अच्छा। होती है स्टूडेंट्स के साथ, तो जहन में तो आता है लेकिन कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें भी लेने पड़ते हैं, जैसे सन ब्लॉक जो है वो लगा लिया और चेहरे को वॉश कर लिया अच्छा। कुछ देर इसको मतलब बर्फ़ की टकोर कर ली, तो इस तरह के जो है ब्यूटी टिप्स जो हैं हम लोग अपने पे भी आजमाते रहते हैं। अच्छा वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, वुमेन हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी किसी की भी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए। लड़कियों की हेल्थ जब शादी के बाद ख़ास तौर पर जो है पैदाइश का मरहला जब वो लड़की गुजरती है उस कंडीशन में वो रोड पर खड़ी होती है, कितना ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है और किस तरह अपने मोरल को फिर आप हाई करते हैं? बेटा जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मैटरनिटी लीव भी मिलती है जी, जो 3 माह की होती है, और इसके अलावा जब पता चलता है ऑफिसर्स को जो हमारे सीनियर CTO साहब जो हैं कि ये खातून जो है वो प्रेग्नेंट है और ये सड़क पे ड्यूटी नहीं कर सकती तो उनको ये लाइट ड्यूटी दे देते हैं, ओके, ओके। उनको ऑफिसेज में लगा दिया जाता है, क्योंकि फैसिलिटेट किया जाता है क्योंकि जो CCPO साहब हैं वो भी बड़े इस मामले में जो हैं कॉन्शियस है, जाहिर है खवातीन है, खवातीन आपको पता है बड़ा फ़र्क होता है आदमी में और औरत में उसकी जिसामत में, तो जाहिर है इस तरह का मरहला जब आता है तो वो लाइट ड्यूटी दे दी जाती है और दूसरा फिर उनको ऑफिसेज में तैनात कर दिया जाता है। आपकी नज़र में क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? देखें जी, मैं भी खड़ी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, जो वायलेटर हैं उनको रोक रही हूँ, उनको वायलेशन के बारे में बता रही हूँ, यही वुमेन एम्पावरमेंट है। आपकी इजाज़त मिल गई थी आपके घर में, वो तो नहीं खड़ा हुआ था पुलिस में जा रही है इसे नहीं जाने देना? बेटा जो फैमिली की तरफ से तो अच्छा। बहुत आपको पता है रुकावटें आई अच्छा। लेकिन जो मेरी मदर है उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया कि नहीं और करें। हाँ ये करें, क्योंकि वो वो कहती थी कि जॉब करनी उनकी ख्वाहिश थी कि जब आपने जाना है तो किसी फोर्स में जाना है अच्छा। तो मैंने इसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ये पहली जॉब के लिए अप्लाई किया और पहली जॉब मुझे मिली अच्छा। और जो आपको पता है जो चैलेंजेस है वो फैमिली की तरफ से बहुत आते रहते हैं कि जी अगर आपकी जब आपका कोई रिश्ता आता है जी। तो आप बताते हैं कि जी लड़की जो है वो ट्रैफिक पुलिस में जॉब कर रही है, तो वो भी सोचते हैं कि पुलिस वाले हैं, पता नहीं क्या है, कहीं हमें ना वो बंद कर दें। लेकिन ये तब होता था, अब तो लोगों को इसकी अहमियत का पता चल गया, आपको पता है काफ़ी जो है अवेयरनेस आ गई है, और अब तो जो है वो लोग खुद कहते हैं कि हमारी जो बेटियाँ हैं वो भी पुलिस में जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, जैसे हमारे जो वार्डन्स हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और मेरा ख्याल है 9-10 के करीब जो हैं MPhil में भी इनरोल हैं, PhD में भी इनरोल हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बस अब तो पहले जैसा मामला नहीं रहा। मेरे ख्याल में जो माइंड है ना, जो उनकी सोच है वो बदल रही है और आजकल तो आपको पता है घर का पहिया चलाने के लिए ठीक हाँ। है ना, सबको सर्वाइव करना पड़ता है, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। और जब एक बच्ची जो है वो एजुकेशन मुकम्मल कर लेती है तो बेहतर है कि वो किसी ना किसी फील्ड को ज्वाइन करे अच्छा। ठीक है ना जी, क्योंकि ये एक मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मायूब बात है, ये खूबसूरती है। अच्छा मैम, कभी कोई आप खड़ी हो ट्रैफिक मतलब रोड के दरमियान में और किसी ने शरारत की हो आपके साथ और आपने पकड़ लिया हो कि इधर आओ जरा और जिसे गिरा दिया, ऐसा कभी हुआ है? अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने जब हम लोगों का ये एक कार्ड होता था वुमेन के लिए वुमेन्स कार्ड ठीक है, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो हमने हम लोग चलान कर रहे थे अच्छा। एक खातून को हमने रोका अच्छा। वो नहीं रुकी अच्छा। तो फिर हमने उनका पीछा किया जब उनका चलान किया तो उनके हस्बैंड जो थे वो एडवोकेट थे अच्छा। उन्होंने हम पे रिट भी कर दी अच्छा। ठीक है ना, तो फिर उस वक़्त के जो SP ट्रैफिक थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फेस किया, तो इस तरह के मामला तो आते रहते हैं काफ़ी आते रहते हैं बेटा। अच्छा मैडम, जब भी हम किसी का चलान करते हैं ना सबसे पहले वो किसी को कॉल मिला लेते हैं, कॉल मिला के कहते हैं कि बात करें,
ये क्या कल्चर है, किससे बात करवाते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाह रहे होते हैं? देखें जी, अव्वल तो हम लोग बात ही नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने बताना होता है कि आपने ये वायलेशन की है, ठीक है ना, अपने अखलाक के साथ, पहले सलाम फिर कलाम, ठीक है ना। और जब अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं कि आपने ये वायलेशन की है, जो वायलेटर है वो भी मान जाते हैं। और कुछ आपको पता है अखड़ किस्म के भी होते हैं कि जी फोन सुने। हाँ। फोन सुनना वो हमारे मतलब हमारी जॉब में शामिल नहीं, नहीं फोन कोई नहीं सुना। अच्छा, फोन ना सुनाया करें, वो फोन नहीं सुनते। अगर आपका वैलिड चलान है, फ्री चलान किया जाता है, वरना चलान नहीं किया जाता। अच्छा मैम, लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपने घरों में बैठी हैं और आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर भी होंगी कि भाई मैम खड़ी हैं सड़क पे खड़ी हैं, और अगर वो कर रही है तो फिर हम क्यों नहीं इंस्पायर कर रही हैं? आप बहुत सी लड़कियों को क्या पैगाम देंगे? घरों से निकलें, आएँ फील्ड में, आएँ कोई भी शोभा ज्वाइन करें, मेडिकल का हो, पुलिस का हो, ट्रैफिक का हो या फिर मीडिया का हो, घरों से निकलें, अपने आप को मनवाएं। अच्छा। और आदमियों के शाना बशाना काम करके साबित करें कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। अच्छा, अगर मैम नाज़िया बाकर जो है ट्रैफिक में ना आती तो मैम नाज़िया बाकर क्या होती? मैं हमेशा पुलिस में ही आती हूँ। शौक था क्या? हाँ जी, मैं शौकी आई। हाँ, मैं शौकी। मेरी मदर का भी मैंने आपको बताया ना, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि कोई यूनिफॉर्म जो है फोर्स आपने वो आपने उसको लेना है। तो मैंने पुलिस के लिए अप्लाई किया, मुझे इसी जॉब में मतलब मिल गई। तो अल्लाह का शुक्र। तो आप अपनी एक शौक भी पूरा हो रहा है और फर्ज भी पूरा हो रहा है। शौक भी पूरा हो रहा है और फर्ज भी पूरा हो रहा है। दूसरा, फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा, ठीक है ना। अब आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो खुद भी पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा। वो भी सपोर्ट करते हैं और बच्चे जो हैं वो भी, मैं बाज़ात कहती हूँ कि मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है या मैंने छुट्टी ले लेनी है या मैंने जॉब छोड़ देनी है, तो वो कहते नहीं मामा अभी आप करें, आप अच्छी लगती हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, घर में भी वो है जो मतलब बाहर तो एक मैं मागी सीधे हो जाए, सारे रोग बहुत ज़्यादा है, घर में भी कभी नहीं बेटा? नहीं नहीं बेटा, बल्कि आम घरों से ज़्यादा हमारे घर में फ्रेंडली माहौल है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, बड़ा अच्छा एक वो सेटअप है। आपको मैंने जैसे बताया, मेरे हस्बैंड भी पुलिस ऑफिसर हैं तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो जब इंसान को घर की तरफ से पूरी सपोर्ट हो तो वो फिर ही चल सकता है। लेडी ट्रैफिक वार्डन्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेडी ट्रैफिक वार्डन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थी इंस्पेक्टर साहिबा नाज़िया बाकर साहिबा, और उन्होंने बताया कि ख़वातीन जो हैं किसी भी पेशे में मर्दों से कम नहीं है और मर्दों के शाना बशाना है, और कुछ पेशों में तो मर्दों से भी आगे निकल गई हैं। और ये थी आज की वाव खातून हमारे साथ, जो कि मर्दों के शाना बशाना रोड्स पर खड़े होकर इतनी गर्मी में ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर बना रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।